सुप्रीम कोर्ट काठुआ गैंगरेप कांड की सुनवाई के लिए तैयार, वकीलों ने कोर्ट से मामले में स्वतः संज्ञान लेने की अपील की थी। गैंगरेप कांड पर पीडीपी ने अपने मंत्रियों विधायकों की कल बैठक बुलाई। सीएम महबूबा बोली, बच्चियों से बलात्कार के मामलों में मौत की सजा का कानून बनाएंगे। दिल्ली में हजारों लोग आधी रात को सड़कों पर उतरे, राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गेट तक मार्च किया। प्रियंका गांधी और निर्भया के माता पिता भी मार्च में शामिल हुए। काठुआ गैंगरेप में पीड़िता की वकील दीपिका सिंह ने जम्मू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बीएस सलाथिया पर धमकी का आरोप लगाया। काठुआ में पीड़िता के परिवार ने डर के मारे गांव छोड़ा। उन्नाव गैंगरेप कांड में आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर हिरासत में, सीबीआई अब पीड़िता से पूछताछ करने पहुंची। बलात्कार पर बीजेपी नेताओं के शर्मनाक बयान जारी, अब मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और सांसद नंद कुमार सिंह ने काठुआ गैंगरेप में पाकिस्तान का हाथ बताया। तमिलनाडु दौरे पर गए पीएम मोदी को काले झंडे और काले गुब्बारे दिखाए गए, कावेरी जल विवाद पर सूबे में राजनीति गरमाई। देश की महंगाई दर लगातार तीसरी बार बढ़कर चौथी तिमाही में 4.59% रही, औद्योगिक उत्पादन की दर भी घटी। और कॉमनवेल्थ गेम्स में तेजस्विनी सावंत और अनीस ने शूटिंग में गोल्ड जीता, दो एथलीट्स पर नो नीडल्स नीति के उल्लंघन का आरोप, खेलों में हिस्सा लेने से रोका गया।